दोस्तों, आज जिस श्री धान्य मिलेट्स के बारे में हम बात करेंगे वो है लिटिल मिलेट, जिसको हिंदी में हम कुटकी भी बोलते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट, और वो है आपका फ्री गिफ्ट। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं अनाउंस करूंगा वो फ्री गिफ्ट जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मेरा विजन है 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना और उनको नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ अग्रसर करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं लिटिल मिलेट के बारे में कुछ खास बातें। अगर हम इसके रंग की बात करते हैं तो इसका रंग होता है क्रीम ऑफ वाइट, जिसकी सहायता से हम इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इसको अफ्रीकन मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में इसको बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है और मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। दोस्तों, लिटिल मिलेट की खेती करते समय हमें गेहूं या चावल के कंपैरिजन में बहुत ही कम मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जहां हम लाखों टन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा गेहूं या चावल की फसल में यूज करते हैं, वहीं लिटिल मिलेट की खेती करते समय हमें इनमें से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की, तो इसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर फाइबर की मात्रा 9.8% होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 ग्राम मिलेट लेते हैं तो उसमें तकरीबन 10 ग्राम तो खाली फाइबर कंटेंट ही होता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक फाइबर एनरिच मिलेट है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के रेशियो की बात करते हैं तो लिटिल मिलेट में यह 10 से कम होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम इसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, हमारे खून में तुरंत ग्लूकोज की मात्रा नहीं पहुंचती है। यही केस अगर हम गेहूं या चावल में देखते हैं, तो जैसे ही हम गेहूं या चावल का सेवन करते हैं, हमारे शरीर में पूरा ग्लूकोज कन्वर्ट होके पहुंच जाता है। और इसका सबूत है कि जैसे ही हम गेहूं या चावल से बना खाना खाते हैं, हमें खाने के तुरंत बाद नींद आती है। वहीं अगर हम लिटिल मिलेट की बात करते हैं, जब भी हम लिटिल मिलेट को खाते हैं, हमारे खून में ग्लूकोज 6 से 8 घंटे में धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण हमारे खून में ग्लूकोज का इम्बैलेंस नहीं होता है और हमारी बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसीज से बचाव होता है। और अगर किसी को लाइफ स्टाइल डिसीज है भी तो वो ठीक हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम, ये सभी लाइफस्टाइल डिसीज ठीक हो जाती हैं। यह बहुत ही सॉफ्ट होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए डॉक्टर खादिर वली ने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले सॉलिड फूड में देने के लिए इसका परामर्श दिया है। इसको हल्का सा पीसकर पतले दलिये की फॉर्म में हम छोटे बच्चे को दे सकते हैं। चलिए अब जानते हैं लिटिल मिलेट के उन प्रमुख कार्यों के बारे में, जब भी हम इसको खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि वह लेडीज और जेंट्स दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्लीन करता है, साथ ही साथ उनको ऊर्जावान बनाता है और इन अंगों से जुड़े हुए रोगों को भी ठीक कर देता है, जैसे कि यूट्रस, ओवरी से जुड़ी हुई समस्या, मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या, पीसीओडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसको हम एसटीडी भी बोलते हैं, पुरुषों में लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी। इसके साथ साथ यह पुरुषों और महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करता है, जैसे कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ या थायराइड की समस्या, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना एक्सेट्रा। दोस्तों, लिटिल मिलेट किडनी की भी सफाई करता है और किडनी और यूरिन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी ठीक करता है, जैसे कि यूरिन में इंफेक्शन होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, यूरिक एसिड का बढ़ना, डायलिसिस एक्सेट्रा। यह शरीर में बिगड़े हुए मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, और जो लोग अपना वेट घटाना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं, उन दोनों के लिए यह बहुत ही बढ़िया है। लिटिल मिलेट को खाने से हमारे शरीर के जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं उनकी क्लीनिंग होती है, जिसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है।
जिनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और जो एनीमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। लिटिल मिलेट के अंदर प्रेजेंट इनसॉल्यूबल फाइबर कंटेंट हमारी आंतों की सफाई करता है और हमको गैस्ट्रिक अल्सर, कोलन कैंसर और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से दूर रखता है। इसके साथ साथ जो सॉल्यूबल फाइबर कंटेंट है वो खून के माध्यम से हमारे सभी अंगों तक पहुंचता है और हमारे सभी अंगों को डिटॉक्सिफाई करता है। जिन भी लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता है, सीने में जलन होती है, उनके लिए तो लिटिल मिलेट एक दवाई की तरह काम करता है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी निश्चिंत होकर लिटिल मिलेट का सेवन कर सकते हैं और यह एक आइडियल फूड है उन सभी डायबिटीज पेशेंट के लिए जो बहुत टाइम से डायबिटीज से परेशान हैं। जिन भी लोगों को माइग्रेन की समस्या है उनके लिए लिटिल मिलेट बहुत ही अच्छा है और वो सभी लेडीज जो प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में लिटिल मिलेट का सेवन करती हैं उनको यह बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। चलिए अब जानते हैं और किन किन रोगों में लिटिल मिलेट को खाने से लाभ मिलता है, जैसे कि कोलाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, हर्निया हो गया, शरीर में फिब्रॉइड्स का होना, वेरिकोस वेन्स की समस्या होना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। इसको खाने से आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी और आप हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों चलिए हम जानते हैं अब फाइनली इसको खाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है कि जब भी आप लिटिल मिलेट का सेवन करते हैं आपको सेवन करने से पूर्व 6 से 8 घंटा इसको पानी में भिगोना जरूरी है, जिससे कि इसका फाइबर कंटेंट अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आप इसको इजिली डाइजेस्ट कर पाए। अगर आपको कोई ऐसा क्रॉनिक रोग है जो काफी लंबे समय से है तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में 3 से 6 हफ्ते तक अम्बली का सेवन करना है, जिसको हम फर्मेंटेड मिलेट भी बोलते हैं। इसको खाने से आपको उस रोग को ठीक होने में बहुत ही लाभ मिलेगा। तीसरा आता है कि जब भी आप इसको पकाते हैं और पीने के लिए भी आप हमेशा स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज कीजिए। फोर्थ, अगर आप खाली पेट सुबह को कषाय का सेवन करते हैं जिसको हम काढ़ा भी बोलते हैं, तो आपको मिलेट्स के साथ कषाय का जो कॉम्बिनेशन है इसका आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा और आपका रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। फिफ्थ आता है, डॉक्टर खाद्य गली के अनुसार हमको रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना है और उसके कंपैरिजन में हमको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाना है। अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कौन सा है और आपको कौन कौन सा तेल यूज करना है, तो आपके एरिया में जो भी लोकल ऑयल अवेलेबल है, जैसे कि नॉर्थ एरिया में आपका मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है, इसी तरीके से साउथ इंडिया में आपका कोकोनट अवेलेबल है, तो जो भी आपके लोकल एरिया में ऑयल अवेलेबल है वो आपको यूज करना है और अगर वो कोल्ड प्रेस्ड हो तो बहुत ही अच्छा है। सिक्स्थ आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट का सेवन करें आपको नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना है। जब भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो इससे आपका हार्मोनल इंबैलेंस, माइक्रोबियल इंबैलेंस और ग्लूकोज इंबैलेंस ये तीनों ही हो जाते हैं, जिसके कारण हमको विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और वो चाहे हम कितने भी श्री धान्य मिलेट का सेवन करें हमारे वो रोग ठीक नहीं होते हैं। तो हमें आज ही नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि मीट अंडे को बंद करना होगा। डॉक्टर खादिर वली के अनुसार हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 से 2 घंटा मिनिमम वॉक करना जरूरी है। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंप्रूव होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आपके हर एक अंग तक ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंच पाएगी। तो हर किसी को 1 से 2 घंटा मिनिमम वॉक करना जरूरी है। एक आता है, स्टॉप यूजिंग द हार्मोनाइज्ड मिल्क। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस फ्री गिफ्ट की जिसके लिए आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो फ्री गिफ्ट है डॉक्टर खादिर वली द्वारा लिखित श्री धान्य की पुस्तक, जो मैं आपको ईमेल के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भेजने वाला हूं। बस आपको करना इतना ही है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाके अपना ईमेल आईडी मुझको भेज देना है और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको वो ई बुक भेज सकूं। साथ ही साथ आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मैं उस ग्रुप में यह बुक शेयर कर दूंगा।
दोस्तों अंत में मैं यह बोलना चाहूंगा कि आज का यह वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है, हमने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया है, बहुत ही हमारी टीम ने एफर्ट लगाया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा भूल दें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और हमारे भारत को समृद्ध बनाएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। गुड बाय।